अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गायों और पशुओं के लिए भी पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस चलाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा उद्गम अमरकंटक में पहुंचकर पूजा अर्चना कर विद्यासागर जी दया पुरस्कार में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बहनों के लिए लाडली बहना योजना बनाई है। मेरे मन में बहनों की पीड़ा दूर करने की भावना थी एवं प्रदेश में सरकार मनुष्यों की तरह ही गायों पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस की सेवा शुरू कर रही है। प्रदेश के हर विकास खंड में एक एक एम्बुलेंस चलाई जा रही है जिसमें डॉक्टर और कंपाउंडर की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में 407 पशु एम्बुलेंस आ चुके हैं। इस सेवा के लिए 1962 पर कॉल करें। प्रदेश में अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालक का लाइसेंस निरस्त कर देने की बात कही गई है। प्रदेश में 1758 सक्रिय गौशालाएं हैं, इनमें 287,000 गौवंश हैं। सरकार ने गौ सेवा के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया है। इस वर्ष गौशालाओं को 202,53,00,000 रुपए की राशि वितरित की गई है। और अपने आप को जितना बहुत कठिन था और अपने आप को जीतने के लिए जितेंद्रिय बनना पड़ता है, अपनी उंगलियों पर नियंत्रण, जो जितेंद्रिय वो जिन और जो जिन वही जैन, केवल जैन साधन से जैन कोई नहीं हो जाता। और इन अर्थों में मैं कहता हूं सबको जैन बनने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मा से परमात्मा बनने की महायात्रा है महा। महावीर स्वामी जी का जीवन चरित्र ऐसा कि बिना हथियार, बिना तर्क के, बिना संघर्ष के, बिना शत्रुता के और बिना राग द्वेष के दूसरों को जीतने की जीतना सिखाता है। और मैं आज फिर कह रहा हूं पशु के लिए भी जो बीमार हो जाए उसके लिए एम्बुलेंस चलाने का फैसला किया। महाराज जी एम्बुलेंस चलने वाली है, गौ माता बीमार है तो एम्बुलेंस भी जाएगी बैठ तो डिजाइन ऐसी कर रहे हैं जा रहा है तुमको बिठा दे और एम्बुलेंस नहीं रहेगी उसमें डॉक्टर भी रहेगा, कंपाउंडर भी रहेगा और ड्राइवर तो रहेगा तो ड्राइवर तो साहब की ट्रेनिंग भी दे देंगे तो रास्ते में भी इलाज की जरूरत पड़े तो इलाज होता हुआ चलना चाहिए। और उसका नंबर रखा है 1962। ये एक महीने के अंदर अंदर क्रियाशील हो जाएगी। गाड़ियां आ गई है, कुछ और व्यवस्था कर रहे हैं, हर विभाग में एक रहेगी, हर विकास कर तो 313 विकास खंडों में 13 कुछ नगरों में ऐसी विभागें कुल 407 एम्बुलेंस। और मैं समझता हूँ आज कुछ काम होगा उपल नर्सिंग होम जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।